तो हम लोग उतर नहीं रहे मंदिर पे, क्योंकि ये एरिया उतरने वाला है नहीं, सुनसान इलाका है, सुनसान इलाका है और इधर बाघ भी बहुत रहता है, इसलिए हमने यहीं से हाथ जोड़ लिया है। जय माता दी। क्योंकि ये पूरा एरिया ऐसा है ना, झाड़ियों झाड़ियों वाला, कहीं भी बाघ रह सकता है। और राजू भाई ने हमें वॉर्न किया कि उतरना मत गाड़ी से, इसलिए हम उतर नहीं रहे। कॉर्बेट में है ना ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सब्स्टिट्यूट है, ये घुमा रहे हैं वहाँ। बेटा पापा को ऐसे वो डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो अगर ऐसी सुनसान जगहों पे जाएं तो प्लीज गाड़ी से बाहर ना निकले, गाड़ी से ही दर्शन कर ले हर जगह के, क्योंकि ऐसा है चलती फिरती सड़क पे जंगली जानवर कम आते हैं तो शाम को आते हैं, पर यहाँ का भरोसा नहीं है, कभी भी दिन में भी हो सकता है। और बाघ ही नहीं, जंगली सुअर, भालू, ये सब चीजें भी होती है। और वो मंदिर को देखो कितने हो, तो ये रैसोली, रैसोली तल्ली नीचे का है, रैसोली मतलब ये गांव रैसोली में ही आता है, यहाँ से भी आते हैं लोग। और वो जो टॉप में गांव दिख रहा है ना उधर, वो मले था, वो मले था, वहाँ था बाघ बहुत दिनों तक बाघ रहा वहाँ पे, आजकल यहाँ पे आ रहा है करने, आजकल आ गया है एकेश्वर में। जब हम गलती से वहाँ चले गए थे ऊपर राजू भैया के, और ये सीढ़ियाँ या आधी सीढ़ी बन रखी है बस, आवाज सुन रहे झिंगुरों की। चीड़ के ही चीड़ के पेड़ हैं। इस पर जब आप नहा के आते तो क्या हो जाते हो? गिल्ले। तो अब बड़ी देर के बाद पक्की सड़क आ चुकी है, बकरी सड़क आई है। सड़क पे निशान कैसे बने हुए गाड़ियों में? अच्छा पहले जा रहे हो कहाँ तक है? इधर रसोली तो नहीं है ना यार वहाँ पे, यहाँ डर नहीं लगता तुम बाघ बाघ का? मलेठा में तो आ रखा था बाघ है। चलो ठीक है। तो स्कूल के बच्चे कितनी दूर दूर जाते हैं, और ये एक और माता का मंदिर। रिम झिम रिम झिम। तो ये भाई साहब हम पहुंच चुके हैं कहाँ वापस, कहाँ है? मलेठा और दूर वाली सड़क पे, रैसोली। ये सब देखो सूरज की किरणें पेड़ों के बीच में से कितनी अच्छी लग रही है। ऐसी में होती थी शूटिंग ऐसे वाले जंगलों में। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर आते हुए थे गुंडे भाग के आते थे हीरो के पीछे। तो ये देखो वो रहा बैंड, और वो सड़क जा रही है नीचे, और हमें से घूमते 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 यहाँ पहुँच चुके हैं ऊपर। हाँ पता है वो सड़क से आए थे। और हाँ हवा चल रही है, सुनाई दे रही है आवाज जैसे समुद्र में सुनाई देती पानी की। और यहाँ पे रुके हैं अभी हम, मन तो मेरा कर रहा है ऊपर उधर पहाड़ में जाने का, पर सौरभ जाने नहीं देंगे। हाँ झंडे वाले पहाड़ की, और इस पहाड़ की ऊंचाई बराबर है बिल्कुल, इतनी ऊंचाई पे हैं ये लोग। आराम से यहाँ गाड़ी के पास खड़े हो रखे, थोड़ा सा व्लॉग बना लो बोला तो नहीं बना रहे, ताकि मैं भी आ जाऊँ व्लॉग में। क्या तू कितने किलो की है? बस तो 40 किलो की है गाड़ी, 40 से कम होगी। वाह ये दिमाग देखो इनका, 40 किलो से कम की है गाड़ी। और आप कितने किलो के हो? मैं 22 का हो गया। तो गाड़ी कितने किलो की हुई? 100। अच्छा और तुम? गाड़ी कितनी? मैं जून मत बोलो 72 के। 73। यहाँ से ना जब वो धुंध हट जाता होगा तो पक्का हिमालय दिखता होगा इधर से। हाँ वो धुंध की वजह से दिख रहा, सो जाओ फिर, ये पत्थर बिछाओ नीचे और सो जाओ। ये देखो कैसे सो रहा है स्पर्श है। हमारे फैमिली फोटोग्राफर है, नामकरण शादी, नामकरण शादी हर चीज के लिए सौरभ को बुलाया जाता है। क्योंकि ये बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। आज ही पहनी थी जीन्स, देखो तुमने उसमें मिट्टी लगा दी सारी, सारी अभी और लगा दी यार। ये तेरा बेटा ही था। स्पर्श नीचे कर ले क्रॉक्स, क्या कपड़े धोते रहूंगे मैं? वैसे पानी की दिक्कत है। देखो मुझे हटाया जा रहा फोटो के बैकग्राउंड से, शकल तो अच्छी बना ले,
पोस्ट तो कम से कम अच्छी दे ले। ये देखो, अरे रील रील बना लो ऐसे। गुलगुल को मजे नहीं आ रहे यहाँ। क्यों गुलगुल, मुझे बता तुझे मजे क्यों नहीं आ रहे? पत्थर तो हैं, पत्थर है, मिट्टी है, पत्ते हैं। कहाँ भाग रहे हो? अरे अकेले नहीं, अकेले नहीं। तो इस पर और मैं जा रहे हैं ऊपर, चल। पिरूल इकट्ठा, पिरूल इकट्ठा करते हैं। हाँ, पर एक गंदा हो रहा है। डर रही, उतर जा, क्या हो गया? इस पर से तीन चक्कर उतर गया वहां से। अरे उतर तो मैं पूरे हाथ में, ये इतनी सी जगह पे से उतरने में डर रही है। देखो इसको कितनी डर लग रही है। सारे कपड़े गंदे कर दिए बैंगर इसने मिट्टी में। इस पर से मैं अपने पीटी सॉरी जैकेट खराब नहीं करना चाहता ना। आ मम्मा मैं उतर जाऊंगा। नहीं नहीं, इस पर से एक बार फिसल गया, पूरी मिट्टी लग गई कपड़ों में। ठीक है। आ अरे रुक जा, आओ इस पर से, बोल रही हूं ना, हाथ पकड़ो। ऐसे उतरते हैं बेवकूफ, ऐसे उतरते हैं बेवकूफ। बेवकूफ ऐसे उतरते हैं और होशियार ऐसे उतरते हैं। ये देखो, ये होशियार है, ये ऐसे उतरी, और वो बेवकूफ है, वो वैसे उतरा। अरे यार कोबर में पैर पड़ गया। अब मत जाओ, बार बार क्या जा रहे हो ऊपर नीचे हैं? पापा ने बोला था। पापा पापा वादियों का मजा ले रहे हैं, वादियों का। ये देखो, ये देखो, वाह देखो फोटोग्राफर, ये देखो फोटोग्राफर, सिनेमैटिक। गुस्सा देखा, एक थर्ड अकेला ही आता है। देखो जरा, देखो तीन टेक ले लिया और फालतू में मुझे डांटा जा रहा। ताई जी को पूरा गया ना, वे कह रहा था कि पापा आप ना पीछे से आना भागते हुए और मैं आपको झापड़ मार के दिखाऊंगा। स्पर्श आपको क्या मजा आ रहा है यहाँ पर? पल्स, पल्स खत्म नहीं हुई, मैंने मुंह में चबा भी ली। मैं तो चूस रहा हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ चलो चलो, पर ये लोग चल ही नहीं रहे, यही घूमने में लगे हुए। ट्रक आने दो, वापस चला गया ट्रक। आ जा इस पर से, चलो सौरभ चले, सौरभ चलो। अरे वाह, इतनी देर हम घूम लिए, हमने एक चीज तो देखी ही नहीं। ये तो देखो, कोई यहाँ पे नंदी भगवान रख के गए, किसी के वो घर पे खंडित होगी होगी मूर्ति, तो यहाँ पे रखे गए हैं। इतनी देर में नजर पड़ी, इतनी देर घूमने के बाद। इक्के के नीचे दबा दो, उड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, सिक्का रख दो ऊपर से, चलें। सौरभ को तो पता नहीं क्या मजा आ रहा है हवा लेने में, ठंडी हवा। फुल आस्तीन पहन के आयो ना तब। बस पापा एक बस लाइट कर दिए इसके ऊपर। ये क्या शौक है नया, मैं नहीं उठा सकती आपको, आप खुद जाओ ऊपर। ये देखो नया शौक, स्लाइड करनी है, झूला है ये। हाँ ढलान है यहाँ, सही बोली गुलगुल, ये लड़की सही बोली। तो बहुत देर हवा खाने के बाद सौरभ को मन करा यहाँ से जाने का, फुल आस्तीन पहन के लाया ना इसलिए। मेरा मन नहीं करा इसी, किसी ने बोला जाने के लिए। हमें ठंडा लग रहा हवा में ऊपर। हाँ। और सबसे बढ़िया आता है सफर, सफर का साथी। पल्स की गोली लो, मजा आएगा। क्या मजाक है, सौरभ ने यहाँ तक ला के यहाँ रोक दिया, और देखो गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं करा। यहाँ पे मोड़ है, तीव्र मोड़ पे सावधानी से चले, कितना थक जाते होंगे ना पूरे दिन पत्थर तोड़ते तोड़ते बेचारे। इनके स्टैमिना अच्छा है।
फिर भी हाथों में कितनी दर्द होती है। वो वाले पहाड़ में जाने का मन नहीं करता तुम्हारा? भालू वहीं तो रहता है। वहाँ कहाँ रहता है भालू? ऐसे जहाँ पे घास नहीं है उधर कह रही, वहाँ रोज बकरी चराने का दी अम्मा जाती है। चले जाकर अपने साथ दो बकरी खरीदू कर ले। बकरी खरीदने की जरूरत है नहीं, बकरा है मेरे पास, बकरा चराने के लिए ले जाऊंगी कल से। बैंक जल्दी बंद कर देना ठीक है। एक बकरा, एक बकरी, एक गुलगुली देख मैं। तुम तो किड हो, किड गोट के बेबी हो, किड बोलते ना तुम वो। ये देखो हम वापस बैंड में पहुंच गए हैं। बैंड में कोई बैठा हुआ दिख रहा होगा ना, कौन है? अम्मा है, अम्मा है। हाँ देखो अम्मा पूरे दिन यही बैठी रहती है। घर आओ, घर हटो। अम्मा यहाँ धूप सेकने के लिए आती है बैंड में। कहाँ जा रहे हैं? उधर रसोली। कहाँ जा रहे हो? चलो फिर ना, आ जाओ। धूप सेक रहे हो? हाँ जरस जरा सी देर वाला ठीक है। ठाट और क्या है? ठाट ठाट है अम्मा की, ठाट है, सही बात है। सेको सेको फिर धूप सेको। अम्मा नहीं आ रही हमारे साथ। अच्छा अम्मा बाय बाय कर दो, बाय करो अम्मा, बाय 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 जाना लाटा। पानी तो बस पानी। अम्मा को चिप्स खाओगे? ना चिप्स। हाँ ना नहीं खाऊंगा। जा जा जा। अम्मा नहीं आई हमारे साथ तो हम आ गए। तो ये देखो बड़ी कढ़ाई साफ करी जा रही है। ये देखो कढ़ाई की गैस जल चुकी है। और आज सौरभ को देखो क्या बना रहे सौरभ? मैं बना रहा हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी की सब्जी है? इतनी पत्ता गोभी काट रखी है? पत्ता गोभी की सब्जी बना रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ अजीनोमोटा नहीं है ना? नो, मैं लाती हूँ थोड़ा। ये देखो सैफ जाग गया सौरभ के अंदर का। जला दी रे पत्ता गोभी। बेस्ती कराओगे होटल की? कैसे और चीज नहीं डाली तुमने? कम करो गैस, पतली कढ़ाई है वो। ये 25 रुपए किलो है। या तो इसके बाद चौमिन खाना छोड़ देगा इस वर्ष या फिर शुरू लाइट लगा रहा है। लाइट ना इस वर्ष कम डालना है। एक बार बहुत हादसा हो गया था तुम्हारे साथ सोया सॉस डालने में, पूरी बॉटल खाली कर दी थी। सिर का ये होगा नहीं है तो नमक ही दे दो। नमक वो सफेद नीले ढक्कन वाला डब्बा, ये कारीगर रहे हमारे। भाभी कह रही है, भाभी कह रही है हमारे कारीगर हैं। ये देखो जान ले। ये मिर्ची है इधर देखो बैंग। अरे चौमिन में रंग ही नहीं आया, रंग 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 छोड़ दिया क्या? पापा ना पहले वो थे ना। अरे ये भी बता दो कि सच्ची सच्ची पूछ लो मेरे पापा से। अजीनो मोटो तो है नहीं यार आपके यहाँ? तो तुम तो हो मोटो, डाल दो थोड़ा सा। कितनी खुशी हो रही। सौरभ टिक्की बना दो। गुलगुल कैसी लग रही है देखने में? खा के बताओ। ये बना दिए और ये बेचारे मासूम बच्चे खा रहे हैं। खा के देखो बताओ मेरे तो चम्मच ठीक है। गुलगुल ने पास कर दी इस पर, आप बताओ। बढ़िया पास हो गए तुम, पास कर दिया बच्चों ने। अब क्या टिक्की बनाओ? चलो तो टाइम देख लो कितना हो गया है, 10:30 और ये बैठा हुआ है KGF देखने के लिए। 11:452 तक खत्म होगी। तो ये देख रहा है KGF और डिनर वगैरह सब हो चुका है। उसने मुंह छुपा दिया, वो सो रही है।
सो भी रही है और थोड़ी थोड़ी मूवी भी देख रही है बैठ करके। तो हमारे वीडियो का जो पार्ट टू था वो अपलोड हो रहा है, पर नेट बहुत स्लो है, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा है, नहीं तो कब का हो जाता। तो यहाँ पर नेट की दिक्कत की वजह से बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए लेट हो गई उसका पार्ट टू डालने में। और आज का व्लॉग भी एडिट करना है अभी, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। देखो दो दो रिमोट लेके बैठा है वो कंबल के अंदर से बाय बाय कर रही है।